हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कनक की कटाई हमने ख़त्म कर दी है। जब बताया था मैंने तब हम स्टार्ट कर रहे थे, अब ख़त्म कर दी है। ये देखें जी, ये जो हम तो गड्डियाँ बोलते हैं, आप पता नहीं क्या बोलते हैं, जो ये बांध के रखे हुए हैं। तो अब इनका लास्ट मोमेंट पे हैं हम। तो अभी ये जो जो भी आपको दिख रहे हैं खेत में पड़े हुए, इन सभी को इकट्ठा करेंगे। तो इकट्ठा करने के बाद फिर हम, ये है जी हमारा थ्रेशर, मतलब हमारा तो नहीं है, हमारा ही है, ये थ्रेशर है। तो इसमें से हम जी इसको प्रोसेसिंग में लाएंगे। तो जो वेस्ट होगा वो पड़ेगा यहाँ पे, ये येलो शीट पे, और जो उसके दाने होंगे, ग्रेन्स जो होंगे वीट के, वो हम वहाँ पे इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ से हम इसको लगाएंगे, तो ये यहाँ से इसका भूसा जो है वो बाहर निकलेगा। तो ये जब स्टार्ट होगा तो मैं दोबारा से आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात है कि धूप बहुत तेज़ है, तो हमने सोचा कि चलो आज धूप में करते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं या सुबह करें, थोड़ा ठंडा मौसम होता है, या शाम को करें लेट ओवर्स में। तो लेकिन हमने चुना कि हम धूप में करते हैं, देखते हैं धूप का सन बाथ भी करते हैं थोड़ा, तो मज़ा लेते हैं उसका भी। तो मैं ले पी रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक, अगर आपने पीनी है तो आप भी पिए मेरे साथ। गर्मी का मौसम, धूप कड़कती हुई, ये देखिए आप सूर्य देवता, ये देखिए जी सूर्य देवता देखें, और गर्मी उसके साथ ये ठंडी कोल्ड ड्रिंक। तो देखिए पीछे जैसे ऑलमोस्ट सभी ने फिनिश कर दिया है, तो हमारा भी आज विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड हमारा भी आज जो है ये फिनिश हो जाएगा। तो क्योंकि ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, होती है कि हम जो फसल लगाते हैं तो उसका जो ये एंड टाइम होता है संभालनी होती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए, बारिश आ जाए या कुछ हो जाए, तो फिर फसल ख़राब होने के भी चांसेस रहते हैं। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके, जो भी फार्मर्स हैं उनकी यही कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी इस काम को निपटाएं। और जो दाने हैं, हम देसी में तो, देसी भाषा में तो दाने ही बोलते हैं, वो दाने अपने घर में पहुँच जाएँ। तो ये देखें जी, ये साथ वाले हमारे ने निकलाई है, ये है भूसा, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, तूड़ी, हाँ तूड़ी बोलते हैं हम तो, वैसे पो बोलते हैं, POO पो। तो ये देखें जी, ये ढेर लगा हुआ है यहाँ भी, ये मशीन, इसी मशीन जो ये मशीन है, थ्रेशर है, तो इसी से निकलवाई थी उन्होंने। तो आज हमारी टर्न है, क्योंकि इनके पास भी टाइम ही नहीं होता है, इनका भी शेड्यूल बड़ा बिजी होता है, क्योंकि यही दिन है कुछ दो चार जिन दिनों में ये काम, हर कोई चाहता है कि वो अपना काम जो है वो जल्दी से जल्दी निपटाए, फिनिश करे, ताकि उनकी जो फसल है वो सेफ़ हो, घर में पहुंच जाए। क्योंकि पूरे 6 महीने की फसल होती है ये, और अगर ख़राब हो तो टाइम नहीं लगता, बारिश आ जाए या कुछ आ जाए, आंधी बीच कई बार चल पड़ती है, बारिश भी होती है, तो वो ख़राब हो जाती है, तो वो नुकसान हो जाता है पूरा, मतलब जो 6 महीने हम वेस्ट करते हैं उसका नुकसान हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हर कोई यही चाहता है कि तो जो टाइमली ये काम जो है कम्प्लीशन हो जाए, इसका काम टाइमली हो जाए, पूरा हो जाए। तो हमारा भी देखो जी, हमारा भी अप्रॉक्सीमेटली कोई 1 घंटा तो लग ही जाएगा। तो आप भी होंगे कई मेरे दोस्त, मेरे भाई, जिनकी जो ये फसल लगाते होंगे, कनक वीट, तो वो भी इसी प्रोसेस से गुजरते होंगे। तो काइंडली वो कमेंट आप करना, मुझे बताना कि भाई हमारे पास भी ये फार्मिंग लैंड है, तो हम भी खेती करते हैं और हम भी ऐसे ही इसी प्रोसेस से निकलते हैं, तो अच्छा लगेगा मुझे भी। और मैं सोचूंगा कि वाकई हमारे जैसे भी कुछ लोग हैं जो ये काम करते हैं, क्योंकि आजकल तो जिस हिसाब से सिस्टम चल रहा है, इतनी लैंड ही नहीं है किसी के पास कि कोई खेती बाड़ी करेगा। तो चलो विद द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की ब्लेसिंग से हमारे पास थोड़ी सी है, तो हम ये लगाते हैं, खेती करते हैं। तो
ये जैसे मैं पहले भी बताता रहता हूँ अपने खेती के बारे में, और ये आंवले के पेड़ लगे हुए हैं, लगाए हैं अभी, तो उसमें शायद फ्रूट पड़ेगा, और साथ में मौसमी है और नींबू है। तो ये है जी, तो हमारी जो खेत है वो एंड तक है, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन जितना है सफिशेंट है, अच्छा है। तो अभी ये देखें, एक लेबर लगाया हुआ है हमने, भाई है हमारा यहाँ मोहल्ले का ही, तो वो उसको इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि जब ये स्टार्ट होगा तो उस समय दूर से लाना पॉसिबल नहीं होगा, तो एक जगह पर स्टैक करेंगे, तो वहाँ से फिर जब काम स्टार्ट होगा तो वहीं से उसको प्रोसेसिंग में लाएंगे, तो काम निपटता जाएगा। तो ये नीचे भी हैं, तो वहाँ से भी इकट्ठे करेंगे, तो अभी काम बस और थोड़ी देर में 10 मिनट तक स्टार्ट होने वाला है, तो स्टार्ट करेंगे जब, तो जब मशीन स्टार्ट होगी तो मैं आपको तब भी दिखाऊंगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये है जी ट्रैक्टर ASDI 350 NG, और नीचे DC भी लिखा हुआ है, अब उसका नहीं पता मुझे। और देखें जी, ये साथ में भगवान के झंडे भी लगाए हुए हैं रक्षा के लिए, क्योंकि हर किसी को रक्षा की ज़रूरत तो होती है, और वो भी भगवान की ब्लेसिंग चाहिए होती है। तो ये जी है हमारा थ्रेशर, तो ये है इसका टूल बॉक्स। तो यहाँ से आएंगे दाने जो हैं बाहर, तो मैं दिखाता हूँ आपको जी अंदर से क्या सिस्टम है। ये देखें जी, ये दाने जैसे यहाँ पड़े हुए हैं, तो यहाँ से आएंगे बाहर। और ये है, हम इसको बोलते हैं टीन, पीपा भी बोलते हैं। तो ये ऑलमोस्ट सरसों के तेल का होता है, या फिर रिफाइंड का, तो या घी का। तो क्योंकि ये आसानी रहती है, इससे जो ग्रेन है वो वहाँ से नीचे रखना होता है, तो वहाँ से ऐसे इसको यहाँ नीचे रखेंगे, ये ऐसे रखेंगे, तो यहाँ से ग्रेन इसमें पड़ेंगे, जब ये भर जाएगा तो इसको हम फिर जो सैक है उसमें डालेंगे, बोरी बोलते हैं या तोड़ा बोलते हैं, इंग्लिश में सैक बोलते हैं। तो ये है जी इसका प्रोसेस, ये इसकी है, क्या बोलते हैं इनको, इनको क्या बोलते हैं, हाँ बेल्ट्स, ये बेल्ट्स हैं इसकी। जब ये चलेंगी तो ये पूरा ये चक्का है जी, ये घूमेगा, जो अंदर इसका सिस्टम होता है क्रश करने का, वो चलता है, तो अंदर अंदर जो उसका वेस्ट है, भूसा, वो अलग होता है, और दाने जो हैं ग्रेन अलग होते हैं। और ये है जी इसकी शॉवट, ये मेन शॉवट है, यहाँ से ट्रैक्टर के साथ इसको जोड़ते हैं यहाँ से, और ये एक लंबी राड है, और ये है जिस पे बेल्ट मैंने दिखाई, जो यहाँ इसके साथ फिक्स करते हैं, ये देखें यहाँ पे इसको फिक्स करते हैं, जैसे इंजन के साथ ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं उनको जोड़ते हैं, या डिब्बों के साथ डिब्बे जोड़ते हैं, वैसे ही है इसका भी सिस्टम थोड़ा। तो ये है जी, है तो रिस्की होता है लेकिन फिर भी करते हैं, क्योंकि करेंगे तो हमारे जैसे लोगों का काम होगा, और जिनके ट्रैक्टर हैं उनका भी काम होगा। तो ये देखें जी, ट्रैक्टर की एक चीज़ मुझे आज तक समझ नहीं आई कि सभी गाड़ियों के चारों पहिए जो हैं वो बराबर होते हैं, लेकिन ट्रैक्टर में ऐसा क्या है चक्कर के इसके पीछे वाले जो पहिए हैं वो तो डराने वाले हैं, बंदा देख के डर जाता है, इतने बड़े होते हैं, और आगे वाले जो होते हैं वो छोटे होते हैं। तो चलो, अगर आपको पता होगा इसके बारे में कि पीछे वाले जो पहिए हैं ट्रैक्टर के बड़े क्यों होते हैं, तो काइंडली कमेंट करके मुझे बताना कि भाई ये वजह होती है, इसलिए ट्रैक्टर के पहिए जो हैं वो बड़े होते हैं। तो ये लाइट भी लगी हुई है यहाँ पे, ताकि अगर रात में, जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग सुबह सुबह काम करते हैं, कुछ शाम को काम करते हैं, तो ये लाइट यहाँ से चला, इसको जलाते हैं, तो रात में काम करते हैं अंधेरे में, तो लाइट की तो पीछे ही ज़रूरत होती है, तो सफिशेंट होती है लाइट इसकी, रात को तो वैसे भी काफ़ी तेज़ होती है लाइट। तो ये है जी, इसको बोलते हैं थ्रेशर, एग्रो इंडस्ट्रीज़ बठिंडा, पंजाब का है जी ये। तो क्या लिखा है, अब ये नहीं मुझे पता क्या लिखा है। तो ये देखें जी, ये है जी थ्रेशर, और ये है जी हमारी कनक, और ये हमने यहाँ थोड़ा सा स्टैक किया है, इकट्ठा किया है, और यहाँ से इसको डालेंगे बीज। ये भी नीचे पटा लगा हुआ है, ये पटा है, ये घूमता है, तो बस इसका सिस्टम अंदर से चलता है, और ये चेन है लोहे की, और यहाँ से इसको अंदर डालते हैं। तो ये जी देख रहे हैं, जो आप ऊपर लगी हुई है, ये भी शॉफर टाइप ही है,
तो ये इसको खींचती है अंदर, और ये जो कनक है ये पूरी की पूरी अंदर जाती है इसके, और अंदर जाने के बाद फिर अंदर प्रोसेसिंग में जाती है। प्रोसेसिंग में फिर ये देखें नीचे जी, यहाँ नीचे वेस्ट भी है, और जो दाने ख़राब होंगे या कुछ उसका वेस्ट होगा वो इधर गिरता है, और वहाँ से नीचे जो डबल फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर जाली है जो, तो यहाँ पे वो दाने पड़ते हैं बीच में, तो वहाँ से फिर आके, तो यहाँ से जैसे मैंने पहले बताया आपको यहाँ आते हैं, तो यहाँ से इधर पड़ेंगे। ये है जिसका सिस्टम, तो ये है जिसका पूरा प्रोसेस। तो ये देखें ट्रैक्टर, ये साथ में थ्रेशर, और ये हमारी कनक जो पड़ी हुई है वो, तो अभी धीरे धीरे लाएंगे इसको। तो धूप काफ़ी तेज़ है, तो देखो जी अब बात आ जाती है एनवायरनमेंट पे, तो पेड़ पे इंसान को जब किसी चीज़ की कमी होती है ना, तभी उसका एहसास होता है कि नहीं उस चीज़ की कमी है। तो देखो अभी पेड़ यहाँ पे हमारे थे, हमने कटवा दिए थे क्योंकि वो ज़्यादा बड़े हो गए थे, तो अब ये दोबारा से ग्रो हो रहे हैं। तो ये देखें, तो ये अब जैसे धूप हो रही है तो उस हिसाब से धूप के लिए हमें चाहिए छांव। तो छांव अभी नहीं है क्योंकि पेड़ ये छोटे हैं, जो बड़े वाले थे हमने काट दिए। जैसे ये देखें यहाँ ये काट दिया था, तो अभी ये बड़े होंगे, ये भी काटा था, तो ये देखें यहाँ से भी इसको भी काटा था, तो ये अब दोबारा से ग्रो कर रहा है। तो छांव अभी नहीं है, तो धूप काफ़ी है, गर्मी है, तेज़ है, और भाई भी कहता, मेरा ट्रैक्टर वाला कहता कि भैया आपने ये कौन सा टाइम चूज़ किया, या सुबह सुबह करते तो या शाम को करते, तो सभी के लिए ठीक रहता। तो चलो जैसे मैंने बताया सभी सुबह करते हैं, शाम को भी करते हैं, हम थोड़ा डिफरेंट चलते हैं, दिन को करेंगे। तो ये देखें जी, और ये हमारी लिंक रोड है, तो यहाँ भी आजकल ट्रैफिक जो है थोड़ी थोड़ी होने लगी है, अभी कोई गाड़ी आ रही है शायद, हाँ ये देखिए ये गाड़ी जा रही है। तो वो नीचे वाली रोड है जो हमारी जम्मू अखनूर या जम्मू पुंछ जो नेशनल हाईवे उसको कनेक्ट करती है, और ये जो है यहाँ से नीचे जाती है। तो ये है जी सारा सिस्टम यहाँ का। तो देखो अब ये मौसम ऐसा है कि यहाँ पे खेत सारे तकरीबन खाली हो गए हैं, जितने भी कनक वगैरह लगी थी सभी ने काट ली है। तो अब मैं जब ये स्टार्ट होगा, मशीन जब स्टार्ट होगी, तो फिर मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लोज़ करके दिखा देता हूँ कि अगर आपने भी ट्रैक्टर लेना होगा तो ये ट्रैक्टर लेना, ये अच्छा है, पावरफुल ट्रैक्टर है। तो मिलूँगा थोड़ी देर के बाद आपसे, फिर रूबरू होऊंगा जब ये मशीन स्टार्ट होगी, तो फिर वो नज़ारा दिखाऊंगा आपका। तो तभी तक के लिए मिलते हैं दोबारा से। लो जी अब थ्रेशर का काम हो गया स्टार्ट, तो ये देखें जी काम स्टार्ट हो गया, और ये देखें दाने कहाँ से निकलते हैं। अब आपको कोई सुनाई नहीं देगा, आप सिर्फ देखें, आप ये देखें आवाज़ कितनी है थ्रेशर की, तो सुनाई कुछ कम ही दे रहा है। तो ये देखें जी अब देखते देखते ये जो देर है ये कम हो जाएगा, बंदा लगा हुआ ऊपर। और ये है जी देखो जी जेसीबी आ रही है सामने से, जेसीबी भी जा रही है, और ये हमने तरपाल भी चाही हुई है ताकि जो इसका भूसा है वो वेस्ट ना हो, नीचे ना लगे। ये देखें जी, ये देखें जी देखें जी इसका फ्लोर, डस्ट काफ़ी है,
तो ये है जी प्रोसेस पूरा इसका। तो जैसे स्टार्टिंग से मैंने बताया आपको, पहले कटाई की, कटाई के बाद हमने इसको इकट्ठा, इकट्ठा करने के बाद फिर वो पहले भी उसकी लगाया, प्रेशर लगाया। तो ये देखें जी, ये है सारा प्रोसेस इसका। तो दाने भी दिखाए मैंने आपको कि दाने कहाँ से निकलते हैं। तो ये है कि ये डस्ट भरा होता है सिस्टम, डस्ट काफ़ी होती है, तभी लगे हैं यहाँ पे। तो ये खाने निकल रहे हैं, तो बस इतना ही, अब काम कुछ करते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मेरे साथ रहने के लिए। जय श्री राम। एंड इट्स डन। तो अब ख़त्म हो गया। तो ये देखें जी, यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर। मतलब जब हमने स्टार्ट किया था बात करते लास्ट मोमेंट है इसकी, सफाई ताकि अंदर कुछ रह ना जाए, कुछ बीज वगैरह दाने जो है बिल्कुल साफ हो जाए। मैं ये कह रहा था कि यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर, कि जब हमने ये काम स्टार्ट किया था तब हालात कैसे थे, और एट द एंड नाउ इट्स डन, तो अब कैसे हैं। तो यू कैन सी, देखें जी हमारा काम जो है अब ये ख़त्म हुआ। तो टाइम लगा, गर्मी काफ़ी थी, धूप बहुत तेज़ थी, लेकिन फिर भी चलो जो करना है वो तो करना ही है। तो अब ट्रैक्टर भी बंद हो गया, तो तोड़ों में भी पैक हो गया, और ये निकला है जी जो इसका वेस्ट था, भूसा, क्या बोलते हैं उसको, तूड़ी, हाँ। तो ये था जी हाल चाल, ये होता है प्रोसेस। कहते हैं फॉर एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, इवन फॉर एवरी ब्रीथ वी हैव टू पे, मतलब हर एक सांस के लिए भी हमें कुछ ना कुछ पे करना होता है। तो जो फुलके हैं, चपातियां हैं, वो भाई साहब ऐसे ही नहीं मिलती। ये तो जो सिटी में रहते हैं उनके लिए क्या है, पेमेंट की और तोड़ा एक ले आए, जो पैक होता है 10 kg का, 20 kg का, 5 kg का, जितना भी हुआ। लेकिन रियल लाइफ रियलिटी आपको पता चलती है जब आप खेतों में होते हो, खेतों में किन किन हालातों में जो फार्मर्स हैं उनको गुजरना पड़ता है। तो वो दाने कैसे इकट्ठे होते हैं, क्या 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 करना पड़ता है, और फिर जाके दाने ये मिलते हैं। ऐसे कुछ भी नहीं मिलता, ऐसे तो सांस भी हमें नहीं मिलती। हम तो सोचते हैं कि सांसें हमें फ्री में मिलती हैं, बट लेकिन ऐसा नहीं है, सांसें भी बहुत कीमती हैं। ये तो गॉड की गिफ्ट है। ऐसे ही हर एक क्रिएचर जो है दुनिया का, वो ऊपर वाले की मेहरबानी है, ब्लेसिंग्स हैं, तभी जाके हमें खाना नसीब होता है। तो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद गेहूँ हमारे घरों में आते हैं खेतों से, और खेतों से फिर मार्केट में घरों में से फिर मार्केट में जाते हैं, और फिर जाके आटा बन के तो हमारे घरों में, अलग अलग घरों में पहुंचता है, जहां उसकी, जैसे मैंने बोला था, वहां उनकी चपातियां बनती हैं, परोंठे बनते हैं, और पूड़ी बनती है, कड़ा बनता है, अलग अलग चीज़ें बनती हैं। लेकिन उसका ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट होता है और ख़त्म यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे होता है। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने के लिए। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ये मेरा व्लॉग कैसे लगा, ये वीडियो मेरी कैसे लगी, और आपने क्या क्या देखा यहाँ पे, जो प्रोसेस मैंने आपको दिखाया,
तो वो आप काइंडली कमेंट करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको क्या क्या चीज़ जो है वो अच्छी लगी है। तो इसके साथ गुड बाय, जय श्री राम, जय भारत, जय किसान, जय जवान, जय हिंद। और ये देख रहे हैं जी, ये भी एक बड़ी कारगर चीज़ है जो खेतों में ही काम आती है घास काटने के, तो यहाँ इसकी काफ़ी ज़रूरत होती थी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, गॉड ब्लेस यू ऑल।